बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर राज्य स्तरीय 67वीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई, लेकिन इस प्रतियोगिता में अव्यवस्था होने के कारण खिलाड़ी परेशान नजर आए। धूप में खिलाड़ी इतने परेशान हुए कि कई खिलाड़ियों की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्होंने प्राथमिक उपचार लेकर इलाज करवाया। शिक्षक और पालकों ने भी इसकी व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 10 संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए खिलाड़ियों और पालकों ने विरोध जताया। उन्होंने व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता नहीं करना थी। यहाँ पर पानी के लिए भी बच्चे परेशान होते नजर आए और इधर जिम्मेदार केवल ग्राउंड में घूमते हुए दिखाई दिए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 10 संभाग से खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें शतरंज खेलने के लिए 300 और खो खो खेलने के लिए 240 विद्यार्थी आए हुए थे। पहले ही दिन सुबह 9 बजे से खिलाड़ी स्टेडियम में पहुंचे, लेकिन यहां पर शाम 4 बजे तक भी व्यवस्था नहीं होने के कारण खेल शुरू नहीं हो पाए। प्रतियोगिता 25 से 28 अगस्त तक चलेगी। पहले दिन खो खो होना था, लेकिन यह भी खेल नहीं हो पाया। जब इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिया सोलंकी से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर धूप अधिक होने के कारण विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, इसलिए कार्यक्रम लेट हुआ है। उनके लिए टेंट लगाया जा रहा है और उनके रुकने के लिए स्टेडियम के साथ यहाँ पर भवन की व्यवस्था की गई है। ये अभी धूप के कारण थोड़ी गर्मी लग रही है और डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है। गेम खेलोगे? नो सर। क्या गेम खेल पाओगे इतने परेशानी के वजह? धूप के कारण तो फिर एकदम दिमाग पे भी लोड आता है, तो फिर उसके कारण फिर खेलने में भी दिक्कत आएगी। किसके खिलाड़ी हो आप? चेस के। चेस के। आप कहाँ से आए? आप धार से। क्या गेम? जबलपुर से आए। क्या गेम खेलना? चेस, शतरंज। क्या देखा है? क्या व्यवस्था? मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। खेल विभाग की ओर से अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के विद्यार्थियों की स्टेट लेवल की कॉम्पिटिशन हो रही है, जिसमें इंदौर संभाग के सारे 10 संभाग के बच्चे आए हुए हैं। आज यहाँ पर उसका श्री गणेश होने वाला था। मंच पर तो उन्होंने टेंट लगा दिया अतिथियों के लिए और बच्चे ऐसी धूप में बैठ रहे हैं, और हमको 9 बजे का बुला लिया गया है और 3 बजे तक कोई किसी प्रकार का उद्घाटन का कोई इनका कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। अभी हमने आवाज उठाई तब जाके वहां पे बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था रखी है। अभी 2 बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास आए कि उनके बच्चे बेहोश हो गए थे, तो बोले कि तुम्हारे पास कोई प्रारंभिक ट्रीटमेंट हो तो हमें दे दीजिए। ये इनकी व्यवस्था। और संभाग से, इंदौर संभाग से 10 संभागों के बच्चे आए हुए पूरे मध्य प्रदेश से। मां हरभजन का उज्जैन डिवीजन से आई हूं, जो कि स्कूल से भी हूं प्लस पेरेंट भी हूं। जो मेरा बच्चा है और मेरे साथ जो टीम आई है वो चेस की टीम है। आज डेट 25 की डेट हमें दी थी कि आपको गेम खिलाएगा। हम कल सुबह से परेशान है। मेरे उज्जैन डिवीजन में 5 विभाग आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट आती है। 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे सुबह 6 बजे से रात की 2 बजे आते हैं बुरहानपुर और चेस के लिए आते हैं, जो आज तक भी चेस का कोई गेम ही नहीं है। 2 दिन हमारे पूरे वेस्ट होते हैं, यानी हम गधे हैं कुल मिला के। हमारा कोई भी चीजों में कोई भी नहीं है। हम ऊपर से धूप में परेशान हो रहे हैं बच्चे। अभी तक हमें इंटीमेशन नहीं था कि चेस का एक गेम भी नहीं होगा, केवल ओपनिंग सेरेमनी। जो सरकार को मालूम है, जब बुरहानपुर के चारों तरफ काम चल रहा है, सड़क का काम, पहली बार तो इस टूर्नामेंट को बुरहानपुर में रखना ही नहीं था। जब आपको पता है यहाँ चारों तरफ सड़क की स्थिति बराबर नहीं है, यहाँ पहुंचने का मार्ग व्यवस्थित नहीं है, तो कैसे रख सकता है? रखा भी है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी है कि शाम की 4 बज रही है, अभी तक ना तो आयोजक है, ना आने वाले चीफ गेस्ट है, ना बच्चे धूप में परेशान है। हमने क्या दिया था आपको? यहाँ पे सुबह 9 बजे से हम वेट कर रहे हैं। यहाँ चेस और खो खो 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। इसमें 10 संभागों की टीमें आई है, 540 बच्चे हैं, और चेस और खो खो जो है होना है, जिसमें आज मार्च पास्ट का प्रोग्राम रखा गया था। बच्चे के लिए टेंट लगाया गया था, लेकिन सामने से धूप आ गई, इसलिए उनकी अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी है। और हमने ये इस हाल में अभी बच्चों को धूप से बचने के लिए व्यवस्था की है। जैसे ही टेंट लग जाएगा वैसे ही मार्च पास्ट का कार्यक्रम आरंभ कर देंगे। ये देखा गया सुबह 9 बजे कार्यक्रम होना था, अभी 4 बज गए ना, कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि नहीं आए और पालकों का बच्चों ने हंगामा किया है। कोई टेंट नहीं डला हुआ है, हंगामा में आंखों को देखा है, उसमें परेशान हो रहा, पीने का पानी भी नहीं है। इस सामने टेंट लगा है और पीने का पानी भी दोनों साइड में रखा हुआ है। यहाँ पे भी अभी ये पानी रखा हुआ है। और कार्यक्रम सुबह से नहीं था, 3 बजे की ओपनिंग कर रखा था हमने,
कार्यक्रम बच्चों का ऐसा कहना है कि धूप लग रही है जो ना, चूंकि टेंट लगा है लेकिन सामने से धूप आ रही है, इस कारण कार्यक्रम लेट हो रहा है। संतोष सिंह सोलंकी।